गणेश महोत्सव को कुछ ही दिनों का समय बचा है। इससे पहले भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी उत्साह को बढ़ाते हुए महाराष्ट्र स्थित मुंबई के लालबाग के राजा की मूर्ति का पहला लुक जारी किया गया है। लालबाग सर राजा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल ने 15 सितंबर को ही गणपति मूर्ति के पहले स्वरूप का अनावरण किया। लालबाग के राजा सबसे प्रतिष्ठित प्रसिद्ध गणपति मूर्ति में से एक है, जो मुंबई के लालबाग क्षेत्र में स्थित है। हर साल गणेश उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में भक्त पूजा करने के लिए लालबाग के राजा के मंदिर आते हैं। लालबाग के राजा के मंडल में लोगों का हुजूम सबसे ज्यादा होता है। माना जाता है कि 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान आम से लेकर खास तक हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहता है। कहा जाता है कि यहाँ दर्शन करने वाले भक्तों की हर मनोकामना को भगवान गणेश पूरी कर देते हैं। यहाँ गणपति बापा का दर्शन पाने के लिए गणेश उत्सव के दौरान लोगों की लंबी कतार देखने मिलती है। 10वें दिन मूर्ति का विसर्जन किया जाता है, इसमें भी भारी संख्या में लोग शामिल होते नजर आते हैं। लालबाग का राजा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल का इस साल ये 90 साल हुए 90th ईयर, और इस साल लालबाग का राजा का जो आज भाविकों के लिए और मीडिया के लिए जो प्रथम दर्शन हमने मंडल के माध्यम से करवाया, तो यहाँ पे सब जानते हैं कि इस साल छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी 350वीं राज्याभिषेक सोहरा जो हुआ था उनका 350वीं सालगिरह है, तो वो सब सामने रख के छत्रपति शिवाजी महाराज की याद मन में रख के इस साल लालबाग का राजा का जो स्टेज है, ये जो व्यासपीठ है, यहाँ पे लालबाग का राजा की मूर्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की मेघडंबरी जिसे कहा जाता है वो रायगढ़ में स्थापित है, उस मेघडंबरी का प्रतिकृति यहाँ पे हमने बनाई है। सुप्रसिद्ध कला दिग्दर्शक स्वर्गीय नितिन जी देसाई, इन्होंने ये कला सब इधर साकार की है। उनके कल्पना के अनुसार ये मेघडंबरी का प्रतिकृति यहाँ पे साकार हुई है और लालबाग का राजा की मूर्ति वो मेघडंबरी में प्रतिष्ठापना हुई है। और ऐसा ये छत्रपति शिवाजी महाराज को इनकी याद, उनको आदर, उनके प्रति आदर व्यक्त करने का ये मौका, 350वां राज्याभिषेक का साल और मंडल का 90 साल, ये एक दुग्ध शर्करा योग ऐसे हमने इस टाइम फील किया है।